आपकी तरह मैं भी बहुत अफसोस रहा हूँ। मुझे पता है कि फैंस को जबरदस्त चोट लगी है, क्योंकि ये मैच जीतने वाला था, और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। जब ऐसी टीम से हारना था तो फिर पहाड़ों पर क्यों चढ़ रहे थे ये लोग? एबटाबाद में पहाड़ों पर चढ़ने और उसके 20-20 किलोमीटर दौड़े लगाने के बाद टीम के घोड़े लग गए। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में भी हैं। डिस्प्लेसन मैन सर, अभी आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। छप्पे राती अदाकारी की दुकान, इसने 40-42 बोले खेल के विकेट थ्रो कर दी, पाकिस्तान को बर्बाद करके चला गया। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया। बुमराह को बहुत बहुत, इंडिया की टीम को आज का मैच जीती। आज मैं बिल्कुल भी गुस्से में नहीं हूँ, कसम से मैं बिल्कुल भी आज गुस्से में नहीं हूँ। $3,000 का ट्रैक्टर बेच के ये पाकिस्तान से इधर है और इनकी आप हालत चेक करें। ये आर्मी ने ट्रेनिंग की है, इनको कॉमन सेंस नहीं है, ये 25 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं। सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है, पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त। हमने सेलिब्रेशन की तैयारी कर ली, हमने डिनर की बुकिंग कर ली, हमने पार्टी का इंतजाम कर लिया। क्रिएट किया बुमराह ने और फिर रन रेट जो है वो 6 से 6.5, 7, 7.5, 8, वो ऐसे ना जैसे मरीज को हार्ट अटैक हुआ होता है तो उसकी नब्ज बंद होने से पहले वो पहले ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है। तो पाकिस्तान की बैटिंग का भी वही हाल किया जसप्रीत बुमराह ने। वाला मैच पाकिस्तान हार ही नहीं सकता था यार, हमें खुद कर ले यार, ये क्या बकवास है यार, क्या किया इन्होंने यार आज। मैं कहता बांग्लादेश की टीम को खिला दे, नामीबिया की टीम को खिला दे, उन्होंने कर लेना था यार। अब जो हालात है, ये टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। बाबर को चेंज करो, बाबर को निकालो, बाबर इज नॉट अ गुड कैप्टन, बाबर कैप्टन नहीं है, इसको बाहर फेंको बाबर को। आपकी सोच होगी जिससे ऐसे मैं तपाऊं ना, मेरा बस नहीं चाह रहा, मैं सर पकड़ के ना अपने दीवारों पे मारूं या फिर इनको मार दूं, मेरा इस टाइम दिमाग फट रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपने कल देखा कि किस तरह से भारतीय टीम ने इन पाकिस्तानियों को इतनी बुरी तरीके से हराया कि ये पाकिस्तान वाले सोच नहीं सकते थे। पहले पाकिस्तान की टीम ऐसा लग रहा था कि ये आसानी से जीत जाएगी, लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक दिखाया, पूरी तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाजों को एक्सपोज कर दिया और ये अपने आप को दुनिया का नंबर वन बैटर समझते थे, वो भारत के आगे सरेंडर कर दिए। और जमकर तारीफ करनी होगी जसप्रीत बुमराह की, क्या शानदार बॉलिंग कराई और उन्होंने 3 विकेट लेकर पूरी तरीके से पाकिस्तान के बल्लेबाजों के कमर तोड़ डाले और पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई थी कि भारत किस तरह से कमबैक किया। छप्पे राती अदाकारी की दुकान, इसने 40-42 बोले खेल के विकेट थ्रो कर दी, पाकिस्तान को बर्बाद करके चला गया। बुमराह को देखते ही तुम्हारे वर्ल्ड क्लास कप्तान का बल्ला हिल गया। हिला डाला उसने, गिरा डाला, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट को। अबे तू अपनी मर्जी की स्लो लो विकेट पे 120 चेज नहीं करेगा तो फिर क्या चेज करेगा? घंटे के किंग निकला तुम्हारी, मेरे घंटे के किंग के गालियां बंदो, आ जाओ बेगरतो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। हमने पहले ही कहा था ये टांगे नामौजूद है, नाकाम है, इनमें एनर्जी कम है, ये दवाइयों पे चलने वाले, ये बैटरी पे चलने वाले नमूने है, ये जोकर है, ये डाबर है, ये डामर है, ये बाबर नहीं है। अबे ये तुम्हें चे बना के चला रहे थे, ये पूरी कंपनी को लपेटो, बत्ती बनाओ, घुसा लो और वही ले जाके इनको खिलाओ, जहां जिन जतों से इनको उतार के लेकर आया, पाकिस्तान के नाम पे ठोक दिया तुमने और बोला दुआएं करो इनके लिए, मैं देता हूँ। लालच ऐसी अप्रोच और इंटेंट के ऊपर जो पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस अंदाज से तुमने 4 सालों से इस शिकस्त के मल में, अबे इससे ज्यादा जिल्लत और होगी क्या? के बाबर आजम जो पिछले 4 साल से बोलर्स का टेट में दबाता था, हर दफा ये बोल के 15 रन 20 रन 4 बॉलिंग अच्छी नहीं, ये नहीं, 120 रन की अगर तुम्हारी औकात रही है तो तुमसे बेहतर तो वो डिस्ट्रिक्ट खेलने वाले क्लब वाले। छोड़ा है दोनों का, एक एक कैच छोड़ा है इसी भाई दोनों का। ये रिजवान का बिल्कुल 2021 के सेमीफाइनल की तरह, जो हेजलवुड की बॉल पे फाइन लेग पे छूटा या फिर प्रेशर क्रिएट किया बुमराह ने और फिर रन रेट जो है वो 6 से 6.5, 7, 7.5, 8, वो ऐसे ना जैसे मरीज को हार्ट अटैक हुआ होता है तो उसकी नब्ज बंद होने से पहले वो पहले ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर फ्लैट लाइन हो जाती है। तो पाकिस्तान की बैटिंग का भी वही हाल किया जसप्रीत बुमराह ने कि पहले ऐसे 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 और फिर फ्लैट लाइन, और बहुत क्रेडिट जाता है इनको क्योंकि प्रिसीजन ड्रिवन है, यानी कि प्रिसीजन ड्रिवन से मुराद ये कि जो ये करना चाहते हैं बॉल इनकी बात मानता है, ये अब उस क्वालिटी के बॉलर हैं। और मजा आता है इनको देख के क्योंकि ये मैच को टर्न कर देते हैं अपनी तरफ और फिर हर सिचुएशन को भांपते हुए उसी हिसाब से बॉलिंग करती है, जहां सिचुएशन मांगती है वेरिएशंस से बॉलिंग करते हैं, जहां सिचुएशन मांगती है कि आप अटैक करें अटैक करते हैं, सीम भी करते हैं, बाउंसर भी करते हैं, तीखे हैं, स्पीड भी बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि स्माइल इनके फेस पे और सही
एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के तहत अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अब जो हालात है, ये टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। लेकिन मैं उनसे कह रहा था, मैंने खुले डुले ट्वीट्स किए, आप सबने जो पढ़े भी होंगे, कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे, जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है, हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग अपनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, और जाहिर पता है टीम जीतती है। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। जीत गई तो बड़ी मेहरबानी, हार गई तो वैसे भी हारती भी आ रही है, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि इंडिया के खिलाफ 119 रन 120 रन जो है ये भी इन लोगों से नहीं बनने। एवरेज को समझता है इसलिए एवरेज शॉट खेला, उसने बोला मेरे घंटे से मेरे करियर तक तुम लोग लानत बन गए। भारतीयों को भी मैं ये बताऊंगा कि तुम्हें एक मैसेज ये चला गया कि अगर क्रिकेट का रूहानी बाप विराट नहीं तो अब तक कोई हीरो नहीं बना है। और ये जो गला दबा के आया था, ये जो कम्युनिकेशन जेल कॉम्बिनेशन कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं बुमराह सिराज। अर्शदीप ने उरवाला बदला लिया, जा टुल्ले ने आंखें बंद करके मार दिए थे, मैं तो नसीम से तवक्को कर रहा था, चक्का तो था ही नहीं किसी के पास, इतना मौका, चौका ही लगा नसीम से, मुझे पता था ये फिनिश पाकिस्तान से नहीं हो पाएगा। इस दरमियान जो मैंने जो कुछ कहा वो भी अगर लोग नहीं समझ सकते भैया, इस वीडियो पे आने से पहले जहां जहां पे मैंने कहा कि अब भी इंडिया के हाथ में है, क्योंकि अगर बैटिंग फेल तो बॉलिंग परफॉर्म, बॉलिंग फेल तो बैटिंग परफॉर्म, ये होता है कॉन्फिडेंस। 140 करोड़ की टीम थी, 25 करोड़ को बेवकूफ बना के नहीं बनाई गई थी जी हाँ, और ये मेरिट है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, फेस सेविंग हो रही है और कुछ नहीं है। पाकिस्तान का कोई भी नहीं सोच रहा है इस वक्त टीम के प्लेयर्स, और प्लेयर्स पे तो नहीं, मैं जो हाई मैनेजमेंट है जिन्होंने टीम बनाई है, जिनका प्रोसेस चलता हुआ आ रहा था, जो मंजन बेच रहे थे और जो कंपनी की मशहूरी कर रहे थे ना, हमारे जैसे क्रिकेटरों को नहीं वो कन्विंस कर सकते कि हम लोग सही कर रहे हैं। हमें नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ जा रही है। अब मुझे एक बात बताएं, इमाद वसीम को भेजा पाँचवें पर, 23 बॉल खेला, 15 रन किए हैं। अब मुझे बात बताएं, वो 7 बॉल जो एक्स्ट्रा खेला, 8 बॉल, अगर वो मेन बैट्समैन आता 8 रन से ही हम लोग आ रहे हैं ना, शायद स्ट्राइक रोटेट हो जाती ना, वो 2 बेचारा ले सकता था ना, वो शॉट लग जाती, भागा नहीं जा रहा था। इससे बड़ी मेरे ख्याल से, मैं अब क्या बोलूँ, अल्फाज खत्म हो गए हैं, इससे बड़ा ब्लंडर नहीं लग सकता जिसने भी डिसीजन लिया। गैरी क्या कर रहा, इतना एक्सपीरियंस, बड़ा नाम कोच है, दुनिया की हर टीम की कोचिंग की हुई है, बाबर 5 साल से है, अजहर महमूद ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन 2 मैनेजमेंट का हिस्सा बने हुए हैं, वहाब बैठा हुआ है, मंसूर आनम, ये मेरे ख्याल से क्या करने गए हुए, अगर ये 120 के प्लान नहीं कर सकते कि हमने कैसे चेस करना। नजीब ने जैसे बात की है बाबर की, नो डाउट, कोई भी मैच हो, आप बड़ा मैच हो, जो मेन प्लेयर होता है, नंबर 1 होता है, उसको फिनिश करना। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारत की इस शानदार जीत को लेकर भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारत ने इन पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह धोया है, सिर्फ 120 रन बनाने थे इन पाकिस्तानियों को, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी बल्लेबाज सिर्फ मोहम्मद रिजवान को छोड़कर चल नहीं पाया, और ये कप्तान बाबर आजम जो दुनिया का नंबर 1 बैटर समझते हैं अपने आप को, ये पूरी तरीके से भारत के बल्लेबाजों के, मतलब गेंदबाजों के सामने सरेंडर कर दिया। और जिस तरह से गेंदबाजी कराई जसप्रीत बुमराह ने, शानदार गेंदबाजी कराई हर्षदीप सिंह ने, हार्दिक पांड्या ने, मोहम्मद सिराज ने, सभी ने मिलकर इन पाकिस्तानियों की ऐसी धुलाई की, मतलब ये पाकिस्तानी बल्लेबाज कुछ कर नहीं पाए। और आपको बता दें कि जिस तरह की पिच थी, स्लो पिच थी, और मतलब इसमें फास्ट बॉलर को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही थी, जिसमें भारतीय बल्लेबाज चल नहीं पाए, लेकिन ऋषभ पंत ने क्या शानदार बल्लेबाजी की, आप सबने देखा ही होगा, और उन्होंने विकेट के पीछे भी क्या शानदार मतलब फील्डिंग की, आप सबने भी देखा होगा। लेकिन जिस तरह से गेंदबाजी की भारतीय टीम ने, पूरी तरीके से मतलब इनको डोमिनेट नहीं होने दिया, लेकिन शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि ये पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी, क्योंकि 50-60 रन के आसपास एक ही विकेट गिरा हुआ था बाबर आजम का, और भारतीय फील्डिंग भी शुरुआत में काफ़ी खराब रही, क्योंकि
क्योंकि शिवम दुबे ने वो आसान सा कैच छोड़ा, लेकिन अगर वो पहले ही कैच हो गया होता तो शायद भारतीय टीम इतने ज्यादा मार्जिन से जीतती कि आप सोच नहीं सकते। और ये पूरी तरीके से पाकिस्तानी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने हथियार डाल दिए, और जो अपने आप को मानते हैं कि हमारा मतलब दुनिया में नाम है T20 में, ये पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने कमबैक कराया, मतलब इनकी तारीफ जमकर बननी चाहिए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।